बच्चों, कल हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालना सीखा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे 3.4। तो आप लोग ध्यान दो जरा। ये आपकी एक्सरसाइज 3.4। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मैट्रिक्स के इन्वर्स बताने हैं। अब जैसे ये आपके मैट्रिक्स हैं 1 to 14, ये आपके 2 by 2 के मैट्रिसेस हैं सब। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं इससे लूँ, वही तरीका रहेगा आपका जो हमने बताया था। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन 2 लेते हैं, सपोज ए मैट्रिक्स है आपका 2 1 1 1, तो 2 by 2 का मैट्रिसेस है। तो बाय यूजिंग आप किससे यूज करके चलेंगे बच्चों, ए इक्वल टू आई ए, रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो ए आपका हो गया 2 1 1 1, और आई हो गया यूनिट मैट्रिक्स 2 by 2 का, और ये ए। अब आप देखो, मुझे यहाँ इसे बनाना यूनिट मैट्रिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको कल मैंने 3 बताए थे, तो उसके यूज से मैं इसे करूँगा। तो जैसे पहले मैं इसे बना लूँ, क्या बनाना मुझे बच्चों, ये बनाना 1 0 0 1, यहाँ पे बनाना। तो मैं पहले इन्हें इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज R1 by R2, R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो ये हो गया 1 1 2 1, और ये बन गया बच्चों 0 1 और 1 0। अब आप देखो, इसमें 1 0 बनाना है तो 2 - 2 0 होगा। तो मैं ऑपरेशन लगा दूं, R2 changes by R2 - 2R1, तो ये 1 1 2 - 2 0, और 1 - 2 कितना बच्चों, -1, और ये बन गया आपका इधर। ऐसे ही R2 - 2R1 करूँगा तो R1 तो एज इट इज 1 ही रहेगा, और 0 - 2 हो गया -2, ए ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप देखो, मुझे ये बनाना 0 1, तो मैं पहले क्या करूँ बच्चों, R1 प्लस, अगर मैं R2 करूँगा तो R1 changes by R1 plus R2, तो ये बन जाएगा देखो 1 plus 0 1, इन्हें ऐड करूंगा तो 0, और ये 0 - 1, तो ये बन गया बच्चों 1 1 plus - 2 हो गया -1, और ये 1 - 2 एक। अब आपने क्या करना है, इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना। उसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 1। तो पहले मैं इसे R2 को चेंज कर देता हूँ बाई -1 into R2, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया 1 0 0 1, और ये हो गया आपका एज इट इज 1 - 1 1 - -1 और +2 ए। तो ये बन गया आपका बच्चों ए इनवर्स कितना आ गया, 1 - 1 - 1 2, ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आप देखो, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, क्वेश्चन 4 देखो जरा, यहीं पर ले लेता हूं क्वेश्चन 4। देखो इसमें मैट्रिक्स से ये ए कितना है बच्चों, 2 3 5 7, तो आप वैसे चलेंगे ए इक्वल टू आई ए, तो ये हो गया आपका 2 3 5 7, और ये हो गया कितना 1 0 0 1, और ये ए। अब आप देखो, इसमें यहाँ 1 नहीं है कोई से में भी, तो मैं इंटरचेंज भी नहीं कर सकता। तो किसी तरह पहले मैं यहाँ 1 बनाऊंगा। उसके लिए आसान तरीका यह है कि आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या और कोई जैसे 5 - 4 करके भी 1 बना सकते हैं, फिर इंटरचेंज करेंगे तो। पर आसानी कर लेते हैं, R1 changes by 1 by 2R1, तो अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया बच्चों 1, और ये 3 by 2। R2 में मैंने कोई चेंज नहीं अभी किया, ये हो गया 1 by 2,
जीरो और जीरो वन। अब देखो इस वन की हेल्प से मैं इसे फाइव को जीरो बना सकता हूँ, आर टू चेंजेज बाई आर टू माइनस फाइव आर वन, तो ये वन थ्री बाई टू, फाइव माइनस फाइव जीरो, ये हो गया बच्चों सेवन माइनस, यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई करके मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सेवन माइनस फिफ्टीन बाई टू, तो टू सेवन जब फोर्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस वन बाई टू, ये बन गया, ये एज इट इज है वन बाई टू जीरो। मैंने क्या किया आर टू माइनस फाइव आर वन, तो ये बन गया माइनस फाइव बाई टू और ये वन ए। अब आपने बच्चों बनाना है इसे जीरो वन, तो आप पहले इसे यहाँ पे वन बना लीजिए। कैसे बनाऊँ देखिए, आर टू चेंजेज बाई माइनस टू आर टू, मैंने आर टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना वन थ्री बाई टू और ये जीरो और ये बन गया वन, ये वन बाई टू जीरो। आर टू को मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बच्चों टेन और ये माइनस टू ए। अब बस आपने क्या करना इसे जीरो बनाना थ्री बाई टू को, तो आर वन चेंजेज बाई आर वन माइनस थ्री बाई टू आर टू, यहाँ थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें से माइनस किया तो ये बन गया वन जीरो जीरो वन। ये यहाँ पे भी आप करेंगे वन बाई टू माइनस, इसमें से थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये बन गया कितना थ्री बाई टू, टेन इंटू थ्री बाई टू हो गया फिफ्टीन, तो ये बन गया वन बाई टू माइनस फिफ्टीन। वन बाई टू माइनस फिफ्टीन कैलकुलेट करो, वन बाई टू माइनस फिफ्टीन ये हो गया माइनस थर्टी प्लस वन, हाउ मच माइनस ट्वेंटी नाइन। ये तो एज इट इज रहा आर वन में चेंज किया ना, हाँ तो वन माइनस थर्टी हो गया माइनस ट्वेंटी नाइन बाई टू। और यहाँ से आप देखिए इसमें मैंने इसे थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये बन गया कितना थ्री बाई टू मतलब थ्री, और इसमें से इसे माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा कितना थ्री, और ये आपका हो गया कितना टेन और ये माइनस टू ए। बच्चों इसमें कुछ लग रहा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ज़रा ऊपर चेक करते हैं। देखो एक बार ये मैंने यहाँ किया आर टू चेंजेज बाई आर टू माइनस फाइव आर वन तो ये आया। अब देखो इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई किया आर टू को तो ये बन गया प्लस वन, ठीक है। जब मैंने यहाँ माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से टू कैंसिल हो गया और ये बना प्लस फाइव, ये गलती है, ये बना प्लस फाइव और ये माइनस टू, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ, देखो यहाँ से ये चेंज किया तो ये सही है। अब यहाँ देखिए आप वन बाई टू माइनस फाइव इंटू थ्री बाई टू, इट मीन्स वन बाई टू माइनस फिफ्टीन बाई टू माइनस फोर्टीन बाई टू, इट मीन्स माइनस सेवन, ये तो फाइव है, ये फाइव माइनस टू, तो ये बन गया बच्चों कितना माइनस सेवन, ये करेक्ट करना है और ये हो गया कितना थ्री। तो अब आपका ये बन जाता है वन जीरो जीरो वन और ये हो गया बच्चों माइनस सेवन थ्री और फाइव माइनस टू ए। तो ए इनवर्स आपका ये हो गया कितना माइनस सेवन थ्री और फाइव माइनस टू ए, बस ऐसे आप इनवर्स निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन तो ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं जरा भी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चों अभी तक हम ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अभी मैं एक क्वेश्चन कॉलम से भी करके देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया क्वेश्चन सेवन, सपोज ए मैट्रिक्स है आपका थ्री वन और फाइव टू, आपने इसे बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन निकालेंगे, एलिमेंट्री कॉलम
ऑपरेशन, इसका इनवर्स बताएंगे। तो जब भी आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो बस स्टार्टिंग में आपने एक चीज का ध्यान रखना, ए इक्वल टू ए आई से चलेंगे आप ऐसे, यानी जैसे ए कितना 3 1 5 2, और ये ए एज इट इज रखेंगे, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1। अब आप बिल्कुल जैसे रो ऑपरेशन लगाते थे वैसे ही कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और तीनों आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे और उससे इनवर्स बताएंगे। जैसे आपको मुझे ये बनाना है, ठीक है क्या, 1 0 0 1, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ 1 बना लो, तो मैं इस कॉलम को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, देखो C1 चेंजेज बाई 1/3 C1। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को 3 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये बन गया 1, ये 5/3, ये 1, ये 2 एज इट इज, ए ये 1/3 0 और ये 0 1, ठीक है। अभी देखो आप, अब मुझे बनाना 1 0, तो सीधा माइनस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं C2 चेंजेज बाई C2 - C1, तो ये हो गया आपका 1 5/3, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 - 1 हो गया बच्चों 0, और 2 - 5/3, 2 - 5/3 आप कैलकुलेट करो तो 3 2 6 - 5 1/3 ए। इधर भी वो ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, आपने किया C1 C2 - C1, तो 0 - 1/3 - 1/3 एंड 1 - 0 1, ठीक है। अब आप देखो, अब मुझे बनाना है ये 0 1, तो ये कॉलम है आपका मैट्रिक्स, तो पहले मैं इसे चलो 0 बना लेता हूँ, ये आसान लग रहा है मुझे 0 बनाना। अगर यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, देखो C1 चेंजेज बाई C1 - 5 C2। अब आप देखो 1 0 1 0, तो C1 में से मैंने C2 को माइनस किया 5/3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 बन गया और ये 1/3 एज इट इज। ए देखो C1 - 5 C2 किया मैंने तो 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो 1/3 + 5/3 मतलब 6/3 यानी 2 बना, और ये बन गया 0 - 5 मतलब -5, ये 2 हो गया और ये -5। अभी आप देखो तो ये एज इट इज -1/3 और ये 1। अब आप देखो मुझे इसे बनाना 1, तो मैं कॉलम नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई 3 C2 करता हूँ, तो 1 0 0 1, यहाँ पे भी करूँगा तो ए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 और ये कितना बन गया बच्चों 3। तो ऐसे मेरे पास में ई इनवर्स आ जाता है आपका कॉलम ऑपरेशन से 2 - 5 and - 1 or 3। तो बच्चों ऐसा आप 1 to 14 क्वेश्चन कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे शेयर करेंगे। आप इनमें रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, मिक्स नहीं करेंगे, या तो पूरे रो ऑपरेशन होंगे या पूरे कॉलम ऑपरेशन होंगे। और आप लोग जो हैं ज़्यादातर में रो ही लगाइए, एलिमेंट्री ऑपरेशन अपना याद रखिए, और अगर कॉलम पूछता है तो कॉलम लगाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 15, 16, 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।